हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ कुछ कटिंग के बारे में बात करने वाली हूँ कि अभी आप कौन से प्लांट की कटिंग अभी ग्रो कर सकते हैं बहुत ईजली। तो कुछ तो इंडोर प्लांट होते हैं जो परमानेंट प्लांट होते हैं जिनकी आप कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि इधर दिखा दूँ आपको, क्रोटन हो गया और सिंगोनियम हो गए, स्नेक प्लांट हो गए, अरेलिया हो गया, ड्रेसिना हो गया, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया और भी बहुत सारे प्लांट हैं। जैसे इस तरह से हैंगिंग बास्केट की कटिंग आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, तो इनके लिए बेस्ट टाइम हर सीज़न में आप कर सकते हैं। इस समय आप अडेनियम की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। अडेनियम की कटिंग ग्रो करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने कटिंग कट की, वैसे तो कटिंग थोड़ा सा बारिश में दिक्कत होती है, प्लांट बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन कटिंग अगर आप ले रहे हैं, कट कर रहे हैं, देसी है या फिर हाइब्रिड है, जो भी है, हाइब्रिड की कटिंग वैसे ज़्यादा अच्छे जल्दी सक्सेस नहीं होती है। तो अगर आपको ग्राफ्टेड प्लांट की कटिंग लगानी है तो आप फरवरी में ट्राई कीजिएगा, और अभी आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। देसी की अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, वो प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो उनको आप, जैसे यहाँ से आपने कट किया, तो इसको एक दिन अच्छे से ड्राई होने दीजिएगा धूप में, और फंगीसाइड लगा दीजिएगा वहाँ पर, और उसके बाद उस प्लांट को आप फिर कटिंग को लेकर के कम से कम एक हफ्ते छाया में सूखने दीजिएगा। उसके बाद उस कटिंग को सैंड और कोकोपीट के मिक्सचर में ग्रो कर सकते हैं, या तो प्योर सैंड में ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। और हाइब्रिड की कटिंग मेरी तो उतनी ज़्यादा खास चली नहीं, एक आध चल गई है, लेकिन ज़्यादा मुझसे नहीं चलती है, तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप हाइब्रिड की कटिंग लगाइए। वैसे हाइब्रिड की भी कटिंग ग्रो हो जाती है। देखिए, मेरा जो पिंक वाला फ्लावर था ना, अभी इसमें वेरिएशन आने लगा है, पता नहीं क्यों, प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी है, बहुत सुंदर फूल है। देखिए इसके फूल आप देखेंगे ना, इसके फूल ऐसे आ रहे हैं और इस प्लांट के फूल ऐसे आ रहे हैं। तो ये प्लांट शायद, मुझे लगता है ये प्लांट में ही ऐसा हो, क्योंकि इसका हर फूल ऐसा ही निकल रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, लाइट मतलब वाइट का कॉम्बिनेशन है। हो सकता है ये कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है, या तो फिर हो जाता है ना कभी कभी कि मतलब अपने आप ही कलर चेंज हो जाते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत सा कलर लग रहा है, जबकि ये इसी की वेराइटी है, यही वाली। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, अब क्रोटन की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके अपडेट भी दिखा देती हूँ जो मैंने कटिंग लगाई। तो ये देखिए, ढेर सारी मेरी कटिंग लगी हुई है, इनको मुझे रिपोर्ट भी करना है, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला है, और अलग अलग इतने सारे पॉट मेरे पास नहीं है। तो ये कटिंग मेरी बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ से, और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो क्रोटन की कटिंग आप इस समय बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, एग्लोनिमा की जो कटिंग आज मैंने निकाला था कि इनको मैं रिपोर्ट कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा धूप अब तेज़ हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ इनको अब रहने देती हूँ, मैं कल रिपोर्ट करूँगी। थोड़ा सा देखिए, इसके ऊपर कुछ गिर गया है, तो ये टूट गई कटिंग मेरी, और इन्हें बहुत अच्छी रूटिंग हो गई, बहुत ही अच्छे से रूटिंग हो गई है। अगर आपको एक प्लांट मैं निकाल कर दिखाऊँ, तो ये देखिए, ये लगभग 35 दिन की अपडेट है, आपको अगर दिखाऊं तो ये 35 दिन की अपडेट है, और रूटिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, जो भी मैंने कटिंग लगाई है बहुत आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है। देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, जब मैंने इस प्लांट को लगाया था, मैंने निकाल करके अपडेट नहीं दिखाया था, एक प्लांट दिखाया भी था जो वेलेंटाइन एग्लोनिमा है, इसकी मैंने अपडेट नहीं दिखाई थी आपको, तो इसकी अपडेट देख लीजिए आप कि ये लगभग 35 दिन में इस तरह से ग्रो हो गया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, सभी की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और अभी हम इसको रिपोर्ट ही कर लूँगी आज, तो फिलहाल इसको मैं रिपोर्ट कर लूँगी, बाकी को अभी मैं सोच रही हूँ कल करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है, धूप ज़्यादा तेज़ हो गई है, थोड़ा सा देखिए धूप में रखा रह गया था तो मुरझा भी गए, मतलब पत्ते मुरझाने लगे हैं। इसके बाद इंडोर के तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। मैंने लगाई थी अभी जो बेबी टीयर्स की कटिंग, ये देखिए, ये मैंने बेबी सनरोज, तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, मतलब एज ए गिफ्ट दिया था, बास्केट में लगा हुआ, तो उस बास्केट से लेकर के मैंने ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इससे कटिंग लेकर के मैंने ये इतने प्लांट मैंने ये तैयार कर लिए, और कल मैंने इससे ढेर सारी फिर से कटिंग करी है। मैं इसको एक हैंगिंग बास्केट अलग से बनाने वाली हूँ, तो मैं डायरेक्ट उसी बास्केट में ही इस बार लगाऊंगी, तो कल शाम को मैंने कट की थी, अभी पड़ी हुई हैं, तो इनको भी बहुत ईजिली आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। वैसे एग्लोनिमा की तो मैंने ढेरों कटिंग लगाई हुई है, और मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हो गए हैं, तो अगर आप लोगों को एग्लोनिमा चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, मतलब एग्लोनिमा मैं सेल करने वाली हूँ। इस समय मनी प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मिट्टी सूख गई थी, जबकि हमारे यहाँ बहुत दिनों बाद इस बार बारिश हुई है, तो थोड़ा सा पत्तियाँ भी सूख गई, मैंने पानी काफ़ी दिन से नहीं दिया था इसको। इसके बाद देखिए, ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग आप लगा सकते हैं, ये मैंने कटिंग लगाई थी ब्लीडिंग हार्ट की, और ये ग्रो हो गई है, तो बहुत ईजिली ग्रो हो गई। देखिए, प्योर सैंड में ये लगे हुए हैं, मैंने इसमें और भी कुछ कटिंग लगाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ हमारे यहाँ धूप होने लगी, और
ये बारीक वाली रेत भी नहीं है, जो सैंड मतलब रिवर सैंड होती है वो नहीं है, ये है बजरी, जिसको हम आप लोग मोरंग बोलते हैं या तो बदरपुर बोलते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े पार्ट हैं इसके, और इसी में ये कटिंग लगी है। चांदनी देखिए कितना अच्छा ग्रो हो चुका है। अब अभी मुझे रिपोर्ट नहीं करना है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती इसकी अपडेट। ये बहुत अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हो गई, तो मैं शाम को अगर हो सकेगा तो इनको रिपोर्ट करूंगी, तो आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगी। यहाँ पर भी देखिए मैंने कुछ क्रोटन लगाए थे, तो इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई क्योंकि मेरे यहाँ धूप बहुत तेज़ रहती है, और मैंने इनको थर्ड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ निकाल कर दिखाती हूँ, अगर शायद ग्रो हो गया होगा तो। लेकिन नहीं, अभी इनमें रूटिंग नहीं हुई है क्योंकि इनको ज़्यादा दिन लगाए हुए मुझे नहीं हुआ। लेकिन देखिए इतनी कटिंग हमारी ख़राब नहीं हुई, ये धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे, तो इनको भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी देखिए ग्रीन था अभी। उसके बाद आप क्रिसेंथेमम की कटिंग अभी लगा सकते हैं। देखिए मैंने लगाया हुआ था, इसको रिपोर्ट भी किया है, तो इसको भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ब्लीडिंग हार्ट बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है कटिंग से। मेरे प्लांट पर यही प्रॉब्लम है, अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बाकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है इसकी। तो आप इस तरह से प्लांट को लगा सकते हैं। पता नहीं ये किस चीज़ का प्लांट है, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने शायद कटिंग लगाई थी। आपको एक कटिंग की अपडेट और दिखाती हूँ, मैं साथ के साथ बता भी रही हूँ और अपडेट भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने और भी ढेर सारी कटिंग लगाई थी, लेकिन बाकी तो नहीं ग्रो हुई, लेकिन अलमंडा की कटिंग मेरी ग्रो हो गई। ये येलो वाला अलमंडा है, अलमंडा की ही काफ़ी सारी शायद कटिंग लगाई थी मैंने। ये पता नहीं और क्या क्या लगाया था इसमें, याद नहीं, लेकिन इसमें अलमंडा की दो कटिंग मेरी ग्रो हो गई। ये देखिए जो येलो अलमंडा मेरे यहाँ खिल रहा है ना, ये वाला, इसकी कटिंग है। तो इसकी कटिंग में बहुत आसानी से लग जाती है, मैंने इसको मिट्टी में ही लगाया था, मिट्टी और सैंड के मिक्सचर में लगाया था, और ये देखिए ग्रो हो गई है। ये देखिए इसके बाद देखिए मैंने अजवाइन और कोलियस की कटिंग लगाई थी, जो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। ये देखिए हिबिस्कस के प्लांट मैंने ऐसे लगा दिया था, और इसको क्या करते हैं इस तरह से कट करते हैं। आज मैं फिर इसकी कटिंग एक लगा देती हूँ, नीचे से काफ़ी ज़्यादा भूसी भी हो जाएगा। ये देखिए ब्रांच टूट गई पर, तो नीचे से गहना हो रहा है, मैं इसको दूसरे में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे गार्डन से लगभग ख़त्म होने वाला था, और मैं इसकी कटिंग नर्सरी से मांग कर लेकर आई थी जब मेरे पास नहीं था प्लांट। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग को हम कहीं पर भी लगा देते हैं ना, तो ये एक हफ्ते में इसमें रूटिंग हो जाती है। और कोलियस भी इसी तरह से है। देखिए मेरे हिबिस्कस की मैंने अपडेट आपको दिखाई दी, धीरे धीरे ये ग्रीन होना शुरू हो गए हैं, तो इनकी जो येलो पत्तियां हैं मैं कुछ हटा देती हूँ, धीरे धीरे इसमें ग्रीनरी आने लगी। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और इसको रिपोर्ट किया था, मेरा रेड कलर का हिबिस्कस है। तो जो प्लांट मैंने अभी कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी उसी की आपको अपडेट दिखा रही हूँ मैं। उसके बाद देखिए एक पॉट, ये बहुत अंदर रखा हुआ मैंने इसको छुपा कर। इसमें मैंने देखिए लैंटाना की कटिंग लगाई थी, जो सारी ग्रो हो गई, साथ में इनमें फ्लावरिंग भी होने लगी है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे हैं। और मैंने ये दो अलमंडा लगाई है, पर्पल वाला अलमंडा, तो ये भी शायद ग्रो हो गया। अब इसको निकाल कर मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, हो सकता है ये ज़्यादा रूटिंग नहीं हुई होगी तो ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं इनको निकाल कर तो नहीं दिखाऊँगी। लेकिन देखिए इसमें पत्तियाँ नई नई निकल रही हैं, और साथ में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो ये देखिए ढेर सारी कटिंग मैंने येलो लेंटाना की लगाई थी और दो अलमंडा की लगाई थी, तो ये भी देखिए ग्रो हो रही हैं। ये काफ़ी टाइम मतलब इसमें 4 से 6 पत्तियाँ और ऊपर आ जाएंगी, तब मैं इनकी रिपोर्टिंग फिर करूँगी, अभी ये रिपोर्ट करने के लायक नहीं है। कुछ मैंने हिबिस्कस की लगाई थी, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी कि उसकी वजह से देखिए इसकी कंडीशन ख़राब है। तो हिबिस्कस तो मेरा उतना अच्छा नहीं चल पाया इस बार, और मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग भी नहीं लगाई थी क्योंकि मेरे गार्डन में आपको पता ही है स्पेस की कमी है, तो मैं उतना ज़्यादा कटिंग पे फोकस नहीं किया मैंने। ये मैंने कुछ बेबी पिप्रोमिया की कटिंग लगाई थी, वो भी देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। ये देखिए बहुत ही आसान है इनको ग्रो करना, आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, इसको आप सैंड और कोकोपीट के मिक्सचर में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे वेडेलिया की कटिंग लगाई थी, ये वेडेलिया की कटिंग है, काफ़ी खूबसूरत से छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें, और पूरे गर्मियों भर इसमें फूल देता है, बहुत अच्छा प्लांट होता है, आप हैंगिंग बास्केट में इसको लगा सकते हैं। तो बहुत सारी कटिंग देखिए मैंने लगाई थी और सारी ग्रो हो गई हैं, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके बाद देखिए मैंने एक पर्पल हिबिस्कस की कटिंग भी लगाई थी, ये देखिए, और ये भी ग्रो हो गई है। ये लगभग 2 महीने पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है हमारा प्लांट, ये देखिए। तो हिबिस्कस भी ग्रो हो जाता है, बस मौसम हमारे यहाँ इस बार ज़्यादा अच्छा नहीं था, और मैंने फिर साथ में इस बार बहुत ज़्यादा कटिंग लगाई भी नहीं थी। तो
तो अभी अगर आपके यहाँ अच्छी बारिश हो रही है तो आप बहुत सारे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप इस तरह से ही बिस्कस की कटिंग लगा सकते हैं और जेट्रोफा की कटिंग आप लगा सकते हैं, अलमंडा की लगा सकते हैं, जो मैंने आपको अपडेट भी दिखा दी कितने अच्छे से मेरी कटिंग ग्रो हो गई है। मैंने ज़्यादा नहीं लगाई थी, नहीं ज़्यादा ग्रो हो जाती, मैंने जानबूझ कर नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट अब तैयार हो गए हैं। ये कनेर भी देखिए आप लगा सकते हैं, इसकी भी कटिंग मैंने अभी भी लगाई है आपको, चलिए दिखाती हूँ। ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया था, ये इसका मदर प्लांट है, इसकी रिपोर्टिंग मुझे करनी थी, लगभग एक हफ्ते से पड़ा हुआ टूटा हुआ टिब्बे में लगा, और ये मैंने कटिंग से तैयार किया था लास्ट ईयर इसको। ये देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई है और ये अभी तक ड्राई नहीं, जबकि फुल सनलाइट में ये रखे हुए हैं तो अभी तक सूखे नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये ग्रो हो जाएगा। ये देखिए ये जो ये वाला प्लांट है ये तो ग्रीन भी हो गया पूरी तरह से, तो ये बहुत आसानी से ये भी ग्रो हो जाते हैं। आप इस समय नागचंपा की भी कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए ये क्रोटन मेरे सारे कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट है, अभी मैंने प्रून कर दिया था, देखिए कितने सुंदर नए नए पत्ते इसमें निकले हुए हैं। तो नागचंपा और चंपा की कटिंग भी अभी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं, बस इनको भी आप 3-4 दिन छाया में सूखने के बाद लगाइएगा, 3-4 दिन छाया में सुखा लीजिएगा, उसके बाद आप इसको ग्रो करिएगा। इसके बाद देखिए इस समय आप रोजेस की भी कटिंग लगा सकते हैं, गुलाब की कटिंग आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। मेरे गुलाब में देखिए कितने ढेरों फूल आ रहे हैं, आज मैं शाम को इनसे, अगर आप टिकोमा लगाना चाहते हैं तो बारिश में ही लगाएंगे क्योंकि टिकोमा बारिश में बहुत अच्छे सक्सेस रिजल्ट देता है। बाकी टाइम में मुझसे तो कभी ग्रो नहीं हुआ, मैंने ट्राई भी नहीं किया है, लेकिन बाकी टाइम में ये ग्रो नहीं होता। और देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है हमारे यहाँ कि इसकी पत्तियाँ पूरी बर्न हो रही, ऊपर से छोटे छोटे ग्रो बग मैंने इनको रिपोर्ट किया था, तो इनकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है। इनको आप थोड़ा सेमी शेड में मतलब रखिए, वैसे तो फुल सनलाइट में बहुत अच्छे चलता है, लेकिन या तो फिर बड़े गमले में लगाइए, बड़े हमने लगाएंगे तो मिट्टी इसकी सूखेगी नहीं, और मिट्टी सूखती तभी ये ड्राई होता है, धूप से ड्राई नहीं होता है, तो मिट्टी जैसे सूखती वैसे ड्राई हो जाता है। तो इसकी भी ऊपर ऊपर की टिप्पी आप लगाइए, मिट्टी और सैंड के मिक्सर में भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और प्योर सैंड में भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आपको जो मीडिया अच्छा लगे आप उसमें इसको लगा सकते हैं। इसके बाद आपके पास हिबिस्कस की जितनी भी वैरायटी है उसको आप ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। तो मैंने इसकी नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास इसके भी कई सारे प्लांट थे और इस साल मैं उतनी ज़्यादा केयर भी नहीं कर पा रही हूँ अपने गार्डन में, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया है। आप लोग ज़रूर लगाइएगा, अभी मैं इनको कटिंग लगा दूँगी तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा, पर हमारे यहाँ उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही है इसलिए मैं कटिंग लगा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मेहनत करने कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी मैंने जो कटिंग लगाई थी मेरी सारी ही ग्रो हो गई हैं। इस बार मैंने ज़्यादा कुछ कटिंग लगाई नहीं, कुछ जो आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया था वही लगाई थी। ये अलमंडा है देखिए, एक ये वैरायटी है, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी टूटेगा नहीं, मैंने तोड़ लिया, इतनी छोटी सी इसकी ऊपर की टिप ले करके और आप इसको कटिंग लगा दीजिए तो ये आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं भी इसकी एक दो कटिंग लगा दूँगी क्योंकि हर साल ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, लगता है अब नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं एक दो नई कटिंग इसकी लगा दूँगी तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो जब भी आप इसको लगाएं, कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में भी लगा सकते हैं, सैंड में भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो मैंने आपको अपनी कटिंग की अपडेट भी दिखा दी। ये देखिए एक नागचंपा लगाया था कटिंग से, इसमें देखिए फ्लावरिंग भी शुरू होने लगी है, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं प्लांट। और बारिश का मौसम ही सबसे अच्छा होता है कटिंग लगाने के लिए। यहाँ पर भी देखिए कुछ कटिंग और लगाई थी जो ग्रो हो रही हैं, तो अभी आप डहेलिया के भी इस समय कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। ये देखिए मेरा गुलाब इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा खिल रहा है, आप चाहे तो गुलाब की भी इस समय कटिंग ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। मैं तो नहीं लगाती हूँ गुलाब, मेरे पास 10-12 प्लांट है, उन्हीं की मैं केयर नहीं कर पा रही, तो कटिंग से इसीलिए तैयार नहीं करती हूँ। ये बहुत सुंदर वेरायटी है और हाइब्रिड वेरायटी है, काफ़ी खूबसूरत इसके फूल आते हैं। अभी देखिए सीजन नहीं, फिर भी इसके फूल इतने सुंदर आ रहे हैं, इतने बिग साइज़ के आ रहे हैं, जबकि अभी रेनी सीजन मतलब अभी गर्मियों में आपके लोगों के बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे से फूल दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।